देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए तैयार था मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें। मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी, हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में मणिपुर की बात करना था। भाई थोड़ी देर मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं है, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आए इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूं, ओके प्लीज, ये गलती आपकी है यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मेरे सारे इल्जाम प्लीज, गलती आपकी है। हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमें हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, मान्यवर एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था, मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर मैं डे वन से चर्चा के लिए तैयार था मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे, किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो, 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा, आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ है ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो, ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा, इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, यूपीए का अप्रोच है मान्यवर।
हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल न आए कि पुराना क्यों बता रहे। माननीय, 6 साल से, करीब करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की। और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहां आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहां बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसंख्यिकी बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसंख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या, हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर
से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर से आएगा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाड़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्य वर्ग। और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाह जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दीजिए। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी हो गई। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया मैंने। और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर, मैं आगे भी कहना चाहता हूं। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहां मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब दो सवाल है कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूं, इतनी शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मणिपुर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया, MOS राजेश पायलट। और ये मुझे नहीं बोलने देते मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था, ट्राइबल मिनिस्टर गया ना जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए ना जी, होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, MOS गए ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, अरे भाई आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास मैं पूरा बताता हूं, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए मान्यवर। 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ,
मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे, मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने ना एमओएस ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डेवन से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा, मैं पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया, अरे भाई मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो, बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से, ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया, ढेर सारी एसआईटी बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदंबरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना। और मान्यवर 3-4-5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने, और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था, 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया, हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को, मैं यही कह रहा हूं समझ न हो तो नहीं आएगी भी, सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे, ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी सुरक्षा सलाहकार ये सबको हमने बदला है। मान्यवर बैठ जाओ यार, खुफिया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे, 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे, हमने 28 दिन में
पूरा काम पूरा करके रेलवे को वहां पहुंचाया है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने में अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते, हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं, संवेदना है, मणिपुर की चिंता है, गए एयरपोर्ट पर उतरे, हमने उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है, ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन का कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा, पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए, चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा, चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए, दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करो, क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, पर जनता नहीं जानती है, जनता है सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की FIR 1106 FIR रजिस्टर कर दी गई। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहां की ना वहां की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल, मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया, उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो DGP को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मान्य, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में, एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है, दादा का काम
मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास भी था, अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मान्यवर मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही? मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे, एमओएस होम मिनिस्टर। पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार, मैं ही गया हूं, अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्लीन साहब, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात है, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहां बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है, 5ों सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहां से भेजे गए सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है, इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है, सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहां से वहां भेजा है, जो भी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहां कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए 4ों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है, घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है, 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थाई शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूं। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआईबी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहां शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।